साथियों नमस्कार। साथियों एक वीडियो है मोहन रंगन जी पूर्व वायु सैनिक, उनका एक बार आप इसको देखिए और साथ के साथ में कमेंट भी करना कि आप कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि 30 लाख पूर्व सैनिकों की क्या क्या जायज मांगे हैं और क्यों नहीं पूरी हो रही, इनके बीच में कौन एक पहाड़ बन के खड़ा हुआ। क्या जो 30 लाख पूर्व सैनिकों के जो अध्यक्ष हैं, जो पूर्व सैनिकों के नाम से संगठन चला रहे हैं वो हैं, या रिटायर्ड लाबी है, या यूट्यूबर कोट टाई वाले, आपको हर एक सवाल का जवाब इसी छोटे से वीडियो में मिलेगा। और कृपया करके इसको पूरा देखें और अपने कमेंट भी दें, क्योंकि आने वाले समय में हमने फिर खड़ा होना है और उसकी तैयारियाँ फिर से लगे हुए हैं और फिर करेंगे, फिर जाएंगे अपनी जायज मांगों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए। तो उससे पहले हर एक पूर्व सैनिक को ये पता होना चाहिए कि पिछले सालों से जो संघर्ष चल रहा है इसके अंदर कितने बैरिकेड आए हैं, या जो कह सकते हैं कितने ऐसे व्यक्तियों ने इसमें अड़चन डालने की कोशिश करी है, इस चल रही न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश करी है, तो उनका पहले से ही पता होना चाहिए। और इतने बैरिकेड लगाने के बाद में भी हम पिछले 15-16 सालों में जो संघर्ष किया है यहाँ तक पूछे, और आज मेरे हिसाब से सभी पूर्व सैनिक गौरव करते हैं अपने आप पे कि कम से कम चलो उनकी मांग पूरी नहीं हुई कोई बात नहीं, कम से कम वो अपनी आवाज़ देना तो सीख गए, न्याय मांगना तो सीख गए, मंचों पे चढ़ के वो भाषण देना तो सीख गए, नेतृत्व तो करना सीख गए, कम से कम पुलिस की लाठियाँ पीठ के ऊपर खाना तो सीख गए, बैरिकेडों को तोड़ना तो सीख गए। ये न्याय और संविधान और समानता के ऊपर हम इन उन्हीं के भरोसे जो संविधान ने अधिकार दिए उन्हीं के अधिकारों के अंतर्गत हम अपने न्याय की मांग करते हैं। तो मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप पूरा वीडियो देखें। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों मैंने 3-4 वीडियो देखा कल, उसमें मेरे बारे में अभी बगैर नाम लिए हुए एक एयर वेटरन ने बताया, और दूसरा एक एयर वेटरन है वो चैलेंज कर रहा था। दोस्तों आज का जो हेडिंग दिया संगठन 2015-2023, दोस्तों आदमी जो है ना, जिसको अपने ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कुछ भी कर सकता। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, 2014 में हम डिस्कस कर रहे थे एक संगठन बनाने के लिए लास्ट में, और उसी टाइम जो है ऑलरेडी एक संगठन बना हुआ था, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। मैं बता रहा हूँ रजिस्टर्ड संगठन, ऐसे पेपर टाइगर नहीं है, रजिस्टर्ड संगठन, एक वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन था, एक हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी था, कुछ ऐसे पेपर टाइगर्स थे, उन्होंने भी संगठन का नाम रखा लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था। दोस्तों ये जो है, उसी टाइम हमने भी एक संगठन स्टार्ट किया था दिल्ली बेस, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सिर्फ और सिर्फ जेसीओस और अदर रैंक्स के लिए। उसके फाउंडर मेंबर्स थे हम 11 लोग, और 12वां आदमी था एक ऑनरी नायब सूबेदार। हम 11 लोग मिलके, इस 11 और एक 12 लोग मिलके वो संगठन शुरू किया था 2015 में। दोस्तों तब से लेके मैं ये संघर्ष कर रहा था कि सबको एक इकट्ठे करना, लेकिन लोगों की जो खुद मतलब सेल्फिशनेस है ना, एक लेवल आने के बाद लोगों ने अपना रंग दिखाया,
2016 जनवरी में रजिस्ट्रेशन भी मिल गया था। अब कहते हैं ना, मैंने एक वीडियो देखा, हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया हमने, अरे रजिस्ट्रेशन तो सबको मिलेगा, उसका प्रोसीजर है, आप दोगे? अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, उस टाइम तो मतलब दिल्ली में हमने दिया था वो, फिर वहाँ से वेटिंग, फिर वहाँ से गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, वहाँ पे एम्बलम्स का एक सेक्शन है, वहाँ से फिर दो मीटिंग के बाद वो गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर देयर कमेंट्स, फिर होते होते एक साल तो लग ही जाता है। अब जैसे कि बहुत बड़ा काम कर लिया करके बता रहे, ठीक है। हमने ये आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारा टोटल खर्चा था सिर्फ और सिर्फ 5,000 इंक्लूडिंग डिपॉजिट, हमने कोई 60,000 रुपये नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, 60,000 पब्लिक का पैसा है, मजे मारो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे ही उन लोगों ने तू तू मैं के चक्कर आया, तो हमने सोचा भाई मूर्ख से दूर रहो, उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। पूरे के पूरे 11 जो वेटरन्स हैं हम बाहर निकल गए। जब हम बाहर निकला था उस टाइम का सिर्फ और सिर्फ 11 महीने के अंदर जो है उस संगठन का जो मेंबरशिप टोटल हो गया था तकरीबन 1400 से ऊपर, और 1400 में जो 900 से ऊपर मेंबर्स हमारे 11 सदस्य जो फाउंडर मेंबर है ना, हमारी वजह से हुआ था। ये 2016 जनवरी की बात मैं बता रहा हूँ, यानी कि 2015 अगस्त से लेके 2016 जनवरी फरवरी तक का जो कहानी ही है। तो हमने फिर उसके बाद चेन्नई आया, चेन्नई में एक संगठन स्टार्ट किया, जेसीओस वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन, वही ग्यारह फाउंडर मेंबर्स मिलके बनाया, और आज के दिन में यानी कि 2016 से लेकर 24 तक का जो है हमारे मेंबरशिप 1500 से ऊपर। हमने कोई मेंबर वहाँ से टच नहीं किया, जो मेंबर्स उनको दिया उनको दे दिया, नया मेंबर्स बनाया। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसको अपने ऊपर विश्वास है ना वो कुछ भी कर सकता है। कहते हैं ना शेर मार के खाता है, कुछ एनिमल्स है दूसरों के जो मारा हुआ जो बाकी जो बचा हुआ चीज़ खाता है, हम शेर हैं मार के खाते हैं। एक फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन आप लोगों ने ले लिया, चलो कोई बात नहीं, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन आपने लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, पूरा पैसा आपने लिया, आपको मुबारक हो। लेकिन आप ये मत सोचो कि दूसरा कोई भी फेडरेशन नहीं बना सकता, जितना कानून आपको पता है उतना कानून हमें भी मालूम है, हमें भी मालूम है। एक और जहां एक हमने किया था फेडरेशन 2023 में, आप क्या ये सोचते हैं कि एक और फेडरेशन नहीं बना सकते? आप लोगों ने बोला कि हमारे साथ 157 संगठन हमारे साथ है, लेकिन खुद ही आपने बोल दिया ना, कल नहीं दो दिन पहले की बात है, खुद ही बोल दिया ना कि 157 संगठन में सिर्फ और सिर्फ 18 संगठन है जिनके पास 100 से ऊपर मेंबर है, यानी कि 100 के लगभग मेंबर है, 100 से ऊपर नहीं, बाकी सारे संगठन जो है 5-10 5-10। पता चल गया ना, और 157 संगठन में बहुत सारे संगठन आपको समर्थन का लेटर दिया, लेटर पैड संगठन, लेकिन वो संगठन है या नहीं आपको मालूम है? दोस्तों है ना, सच हमेशा सच होता है, झूठ को आप जितना भी मतलब मेकअप डालो एक दिन झूठ बाहर निकल जाता है। दोस्तों हमारे एक एयर वेटरन है, उन्होंने बोला कि मेरा नाम नहीं लिया उसने, बोला कि धमकी हमने नहीं दिया, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन एक जेंटलमैन कभी ना दूसरे के जो रिकॉर्डिंग कभी सुनाता नहीं किसी को। मैंने उनको एक ही शब्द बताया, भाई
जो पैसा है आप इसको जब तक कोई फैसला नहीं आएगा तब तक इसको इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल करोगे तो मनी लॉन्ड्रिंग केस आपके ऊपर लगेगा। एक एयरमैन होते हुए नाते मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, ये पैसा सही सलामत रखना। यही बात हुआ था हमारे बीच में, हड़पने के चक्कर नहीं। दूसरी बात, मैं जेडब्ल्यू नलिन तलवर, सुबेदार अर्जुन सिंह राठौर, हम तीनों मतलब कॉन्फ्रेंस में थे, वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जेडब्ल्यू नलिन तलवर ने यही बताया था कि इतना पैसा एक जगह रखना सेफ नहीं है, डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए 50,000 रुपये ट्रेजरर के पास रहने चाहिए, बाकी पैसा आप अध्यक्ष आप अपने पास रखो, इसका भी हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। ऐसे जो है अपनी मर्जी से बात करना छोड़ो, हर एक चीज़ का वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हर एक चीज़ का। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ ना, एक फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, चलो ठीक है आप लोगों ने रजिस्टर किया, अभी आपका प्राप्ति है वो, ठीक है मानता हूँ, लेकिन किन्नर होता ना, किन्नर का किन्नर भी जो है मतलब छुपा के शादी करा लेते हैं, लेकिन शादी के बाद किन्नर किसी काम का नहीं आता। संगठन आपका है लेकिन आंदोलन कौन करेगा, आप करोगे? जो साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी, चाहे वो घटिया हो या बुरा हो कैसे भी हो, फरवरी 20 तारीख 2023 से लेके मार्च 2014 तक बैठे थे, अगर आपके में अगर दम है तो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए आप बैठो ना। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे की तो कोई कमी नहीं है, एक एक मुद्दा मैं बताऊंगा आज से, प्रूफ के साथ बताऊंगा, लेकिन आपको सुबह से शाम तक नहीं कंटिन्यूस बैठना पड़ेगा, कंटिन्यूस, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे पैसे भी हैं, लोग भी हैं, आप कहते हैं ना 157 संगठन हैं, लोग आपको मतलब आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आप बैठो हम भी साथ देंगे आपको, सारे टेक्निकल या कोई भी मतलब पेंशन का जो मुद्दा है या कोई भी मतलब आपको सर्कुलर सारे हम मदद करेंगे, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। आपके जो कैप्टन लोकेंद्र का जो लास्ट 3 मिनट का वीडियो, 3 मिनट का वीडियो, क्या शानदार जब बात किया उसने, 157 संगठन में बहुत सारे संगठन कोई जवाब नहीं दे रहा, 18 संगठन छोड़ के कोई संगठन 10-5 ऐसे ही है, बाकी संगठन किसी संगठन के पास मेंबरशिप ही नहीं है। मैं अभी कहता हूँ, हमने जब बैलास बनाया था एक ही शर्त बताया मैंने, जो भी रजिस्टर्ड संगठन है उसी को अंदर आना, उसी को अंदर लेना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं माना इस बात के, क्योंकि अभी जो कल परसों जो मीटिंग हुआ था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई संगठन ही नहीं है, ना कोई संगठन है ना जंतर मंतर पे उनका जो है रेगुलर अटेंडेंस। दोस्तों ये है ना, दुनिया देख रही है सब कुछ, दुनिया सब कुछ देख रही है, एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा सबको पता चल जाएगा कि सही क्या गलत क्या। अभी 1 लाख मेंबर्स की जरूरत की बारे में बात किया, उसका सच्चाई क्या आपको मालूम नहीं है, कहते हैं ना ऑफ बेक्ड, आप लोग जो है आप लोगों का आधा आधा ही पता है, पूरा पता नहीं है, अगर पूरा पता है तो आप लोगों का जो है ये प्लान बी होगा कि इसको भी जो है एक बीजेपी पार्टी का संगठन बनाने का होगा। दोस्तों ये 1 लाख क्या, आप 10 लाख मेंबर बनाओ फिर भी आपको MOD रिकग्निशन नहीं देगा, ये आपको झूठे आश्वासन दे रहे हैं कि हम जाके बैठ के बात कर सकते हैं। 1 लाख मेंबर होने से रिकग्निशन नहीं मिलता है, आपके पास उसके रेशियो ऑफिसर्स भी होना चाहिए,
सारे रैंक का, तभी आपको जो है रिकग्निशन बाई MOD मिलेगा। रजिस्ट्रेशन तो वो अपना कमेंट्स पास करके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, लेकिन रिकग्निशन अलग है। ये जो अभी 1 लाख की जो चक्कर है, इसका अगला वीडियो बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और ऊपर से क्या है, मेरा वीडियो जो है मेहरबानी करके जिसको देखना है वो प्लीज मेरे चैनल पे रहो, जिसको नहीं देखना अनसब्सक्राइब करके मेरा यूट्यूब से आप कृपया अपना सब्सक्रिप्शन वापस ले सकते हैं। मुझे ऐसे जो लोग नहीं चाहिए जो टाइम पास के लिए मेरा वीडियो, मतलब मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करने वाले नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।